हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रभास और स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेवल बाय प्रभास पर। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से दरभंगा एयरपोर्ट पे जो फ्लाइट्स हैं वो काफ़ी संख्या में प्रभावित हैं, यानी कि लगातार यहां से फ्लाइट्स कैंसिल हो रही है और प्रतिदिन हजारों यात्री यहां पे आते हैं और फिर वापस चले जाते हैं क्योंकि फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं। लेकिन दोस्तों, इसी बीच में दरभंगा एयरपोर्ट के विस्तारीकरण से संबंधित एक बड़ी खुशखबरी आई है। दोस्तों, आपको पता होगा कि दरभंगा एयरपोर्ट के विस्तार के लिए 78 एकड़ जमीन का अधिग्रहण होना है। अब दोस्तों, यहाँ पे इसी को लेकर बड़ी खुशखबरी आई है। दोस्तों, यहां पे जो खुशखबरी है उसके मुताबिक यहां पे जो सामाजिक प्रभाव का आकलन करने वाली एक कमेटी बनाई गई थी, उसने अपनी जो रिपोर्ट है, प्रारंभिक रिपोर्ट, वो दरभंगा के जिलाधिकारी को सौंप दी है 4 जनवरी को। और दोस्तों, यहां पे जो फाइनल रिपोर्ट है वो सौंप दी जाएगी 10 जनवरी को। और दोस्तों, इस रिपोर्ट के सबमिट हो जाने के बाद जो यहां पे एक्सपर्ट कमेटी होगी जो कि दरभंगा एयरपोर्ट से जुड़ी हुई होगी, वो इस रिपोर्ट का रिव्यू करेगी। रिव्यू करने के बाद यहां पे सबसे पहले जमीन अधिग्रहण की जो प्रक्रिया है उसे प्रकाशित किया जाएगा समाचार पत्रों में। उसके बाद यहां पे 2 महीने तक आपत्ति दर्ज की जाएगी। आपत्ति दर्ज होने की प्रक्रिया के बाद उसका निष्पादन किया जाएगा और निष्पादन हो जाने के बाद दरभंगा एयरपोर्ट के लिए जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। अधिग्रहण हो जाने के बाद उसे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को सौंपा जाएगा और तब यहां पे डेवलपमेंट का वर्क हो पाएगा, यानी कि अभी यहां पे कई साल लगने वाले हैं। इस पूरी प्रक्रिया को देखते हुए दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है कॉमेंट करके जरूर बताएं। दूसरा मिलेंगे।